हे गाइस वेलकम टू हंस टेक। सो गाइस Xiaomi ने फाइनली Redmi Y2 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। सो गाइस जो Redmi Y2 है वे Y1 का अपग्रेड है जो पिछले साल हमें देखने के लिए मिला था Xiaomi की तरफ से Redmi Y1, और ये उसका ही अपग्रेड है। इसमें आपको कुछ इंप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है। सो गाइस इस वीडियो में आपको Redmi Y2 की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि आपके लिए ये स्मार्टफोन बेस्ट होगा लेना या नहीं होगा। सो गाइस आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो गाइस जो Redmi Y2 है उसमें आपको 5.99 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है जिसका पिक्सल साइज है 720x1440 पिक्सल्स और 80:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है। और इसमें आपको कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है और इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो 269 पिक्सल पर इंच है। और इसके बाद स्मार्टफोन में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो स्नैपड्रैगन का 625 मिलता है और इसमें जो आपको GPU मिलता है वो Adreno का 506 मिलता है। सो गाइस स्टोरेज वेरिएंट की बात करूं तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, एक 3GB रैम 32GB स्टोरेज, एक 4GB रैम 64GB स्टोरेज। सो गाइस जो 3GB रैम 32GB की प्राइस है वो 10,000 रुपये है और जो 4GB रैम 64GB है उसकी प्राइस है 13,000 रुपये। सो गाइस ये Amazon और Mi स्टोर पर अवेलेबल होगा जिसे आप Mi होम स्टोर पर भी खरीद सकते हो। सो गाइस ये एक्सक्लूसिवली Amazon पर अवेलेबल होगा। 12th जून को 12 बजे इसकी सेल होगी Amazon पर। सो इसमें आपको एंड्रॉइड ओरियो मिलेगा जो 8.1 है और इसमें जो इनकी कस्टम रोम दी गई है जो MIUI 9.5 पर बेस्ड होगी। स्टिल इसमें MIUI 10 आपको जून के लास्ट तक देखने के लिए मिलेगा, ऐसा Xiaomi का कहना है। सो इसके बारे में बात करूँ तो इसके कैमरा की तो इसमें आपको डुअल रियर कैमरा देखने के लिए मिलते हैं। इसमें एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, एक 5 मेगापिक्सल का मिलता है जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है जिससे आपकी जो फोटोग्राफी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। उसके बाद जिसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा वो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। और इसके बाद इसमें आपको सेल्फी लाइट भी देखने के लिए मिलेगी फ्रंट कैमरा में। Redmi Y2 में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी दिया गया है और ये वोल्ट सपोर्ट करता है। तो जरूरी बात यह है कि इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं दिया गया है, आपको डेडिकेट स्लॉट्स दिए गए हैं। आप दो सिम्स और मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हो। बस इसमें जो बैटरी है वो थोड़ी कम है और इसके डिस्प्ले पर मार खाता है। बाकी ओवरऑल स्मार्टफोन अच्छा है क्योंकि इसमें जो आपको बैटरी मिलती है वो 3080 mAh की बैटरी मिलती है। और इसके बारे में अगर Xiaomi का कहना चाहो Redmi Y2 की बैटरी है वो एक दिन पूरा निकाल देगी अगर आप हैवी यूज करते हो। सो गाइस इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया गया है, माइक्रो USB 2.0 का स्लॉट दिया गया है। सो गाइस ओवरऑल ये स्मार्टफोन अच्छा है बट इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो थोड़ी कम रेजोल्यूशन वाली मिलती है क्योंकि इसमें आपको HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है। मेरे ख्याल से अगर इसमें फुल HD+ की डिस्प्ले देते तो ये हमेशा लिए आउट ऑफ स्टॉक होता, बट अब भी ये बहुत बिकेगा Xiaomi का फोन क्योंकि इसमें आपको कैमरा भी अच्छा मिलता है और फ्रंट कैमरा भी अच्छा मिलता है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो बैटरी से या इसकी डिस्प्ले के रेजोल्यूशन से तो आप इसके स्मार्टफोन के साथ जरूर जा सकते हो। सो गाइस जो Redmi Note 5 है उसकी जो प्राइस है वो 10,000 से स्टार्ट होती है 3GB और 32GB वाले की। जो 4GB और 64GB वाला है उसकी प्राइस 12,000 रुपये है और इसकी प्राइस 1,000 इंक्रीज कर दी है Xiaomi ने। वैसे इसकी लीक्स जो प्राइस आई थी उसमें पता चला था कि जो इसकी प्राइस होगी वो 4GB 64GB वाले वेरिएंट की वो 12,000 रुपये होगी, बट Xiaomi ने इसकी 1,000 इंक्रीज कर दी है। सो गाइज बस यही एक पूरा पैकेज है Redmi Y2 का। सो गाइज कैमरा भी आपको अच्छा मिलता है बट आपको यही डिसएडवांटेज है इसकी जो इसमें आपको बैटरी कम मिलती है और इसकी जो डिस्प्ले है वो HD+ वाली है। सो गाइज यही इसकी खामी है। सो गाइज ओवरऑल ये स्मार्टफोन अच्छा मिलता है आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर आता रहूँ। थैंक यू।